हाय हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी आप देखेंगे यहाँ पे एक पार्क बना हुआ है। तो ये पार्क बिल्कुल ना, आप देख सकते हैं कि दूर में जैसे मैं अंदर जाऊँगा, अंदर की तरफ आपको ना एक बिल्कुल गंगा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे नदी है और ये बेसिकली जो पार्क है, पार्क को बोलते हैं कि क्रेक पार्क। तो और दूसरी और एक भी बोलते हैं इनको क्रेक पार्क के अलावा, इनको बोलते हैं बीबी गांगुली पार्क के नाम से। ये बहुत मशहूर है। तो लेकिन इनको क्रेक पार्क क्यों बोलते हैं, ज़्यादातर लोगों को इनके बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो यहाँ पे कुछ लोग मुझे ये कह रहे हैं कि सामने यहाँ पे बिल्कुल बहुत नज़दीक है, यहाँ पे म्यूनसिपलिटी ऑफिस है। तो अगर मैं वहाँ पर जाऊँ तो जो मेरे अंदर जानने की इच्छा थी यहाँ पर, ये क्रेक पार्क क्यों बोलते हैं। एनीवे, आपको और अंदर चल के दिखाते हैं इसके अंदर क्या है और क्यों ये जगह भी बहुत फेमस है। ठीक है, तो अंदर चलने के बाद मैं आपको इसको लोकेशन के बारे में पूरी तरह बताने की कोशिश करूँगा और सारे डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दूँगा और कहाँ पे आप कैसे पहुँच सकते हो। तो लेट्स एंटर इनटू द पार्क। उसके बाद मैं इसके खास जो विशेषता उसके बारे में थोड़ी बहुत आपको बताते रहूँगा। तो ये इनके मेन गेट है। तो ये अब अंदर भी है ना, आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा बना हुआ है, लाइटें वगैरह लगी हुई हैं यहाँ पे। तो लोग यहाँ पे दूर दूर से आते हैं और आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा मैं ऊपर की तरफ दिखाऊँ, यहाँ पे पार्क बहुत बड़ा सा पार्क है इसके अंदर। और आप देखते पार्क में बच्चे झूले भी झूल रहे हैं, काफ़ी लोग भी यहाँ पे सीट के ऊपर बैठे हुए हैं शाम का जो है बिल्कुल आनंद लेते हुए। और यहाँ पे आप देखिए, थोड़ी देर आप नीचे भी जाएंगे और जो म्यूनिसिपलिटी यहाँ से काफ़ी अच्छा मेंटेनेंस भी यहाँ पे किया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फुब्बारे वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे और लाइटिंग भी, और जैसे जैसे शाम होता जाएगा, अंधेरा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, उसी हिसाब से लाइटें वगैरह वो यहाँ पे अब जलता जाएगा। तो थोड़ा सा और नीचे की तरफ आपको लेके चलते हैं। हालांकि यहाँ पे उमस बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो लोग शाम को यहाँ बैठते हैं उनके लिए खाने पीने के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ये सारे दुकान वगैरह या फूड स्टॉल वगैरह लगा हुआ है। और मुझे दूर से और एक चीज़ दिख रहा है यहाँ पे, जो है क्रेग कॉटन हाउस दिख रहा है यहाँ पे, सॉरी ये क्रेग कॉफ़ी हाउस। शायद इसके वजह से उनके वहाँ पे पता चलेगा ये क्रेग जो है कॉफ़ी हाउस और इनके क्रेग जो है पार्क क्यों बना हुआ है, उसका हिस्ट्री शायद आपको पता चल पाएगा यहाँ पे। और थोड़ा सा और नज़दीक जाएंगे, आप देखेंगे यहाँ पे जो है सारे जो लोग जो हैं फूड स्टॉल वगैरह यहाँ पे अच्छी तरह से बना हुआ है। और थोड़ा सा और नीचे चलेंगे, नीचे चलने के बाद आपको आप दिखाएंगे। बट मुझे सबसे जो अच्छी बात लगी यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि काफ़ी साफ़ सुथरा है यहाँ पे, बिल्कुल बहुत ज़्यादा साफ सुथरा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। अब चलते हैं थोड़ा और नीचे घाट के आसपास। तो नीचे चल के आपको दिखाते हैं पे खास क्यों है। काफ़ी बहुत ज़्यादा लोग यहाँ बैठे हुए हैं, लोग यहाँ पे घूमते रहते हैं। सुना है कि मुझे तो सुनने में बहुत दूर दूर से आए हुए लोग, बट आज लोग काफ़ी कम है। तो अभी चलते हैं नीचे की तरफ। देखिए तो ये जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये घाट है और ये चारों तरफ से ऐसे बना हुआ है और काफ़ी लोग जो है यहाँ पे दूर दूर से आ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए बिल्कुल बैठने के लिए जगह भी है और लोग यहाँ पे बैठ भी रहे हैं काफ़ी दूर तक। मुझे पता नहीं कितनी लंबाई है, कितना लंबाई है अब है। ओके, तो मैंने किसी से पूछा कि इसकी लंबाई कितनी है और मतलब आप कहाँ तक टहल के जा सकते हैं, तो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। लेट्स सी कि और किसी और से पूछ के देख सकते हैं। आप बता सकते हैं इसकी लंबाई कितनी है, कितना दूर तक जा सकते हैं यहाँ पे। सामने पोल है, कौन से पोल है, ओ, सामने लाइट का पोल है। ये जो दो या तीसरी चौथी में, अच्छा वहाँ जाके ख़त्म है, मतलब क्रेग जो है ये इसके बाद वो, अच्छा वहाँ पे बाउंड्री ख़त्म है वहाँ पे। अच्छा अच्छा, तो लोग कह रहे हैं यहाँ पे आगे से जाके बाउंड्री ख़त्म है, उसके बाद आपको फिर देन यू हैव टू टर्न टेक अ टर्न बैक। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे और इस साइड में दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये आप देखिए कहाँ तक जा सकते हैं और
आप दूर में देखेंगे वहाँ पे एक बोट टाइप का बना हुआ है नदी के ऊपर, बट ये बोट नहीं है, ये यहाँ पे है दाह संस्कार के लिए है। और उसके पीछे और एक जो देखेंगे दूर से एक आपको पुल दिख रहा होगा, और ये शायद नदी जो है इस पार से उस पार मतलब उसके लिए बना हुआ ही है। तो और आगे चलते थोड़ा सा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बुद्ध पे मंदिर वगैरह दिख रहा है आपको। और आगे जाके यहाँ पे और जहाँ से मैंने अभी नीचे आया ये रूट यहाँ का ही है, तो ये बैक साइड से आप देख सकते हैं। अभी हवा थोड़ा सा कम है इसके वजह से, मतलब यू नो ह्यूमिडिटी, देयर इज टू मच ऑफ ह्यूमिडिटी हियर, सो लेट्स सी। यहाँ से आपको थोड़ा सा नज़दीक दिखेगा, आप देख सकते हैं दूर में बिल्कुल पानी में बहाव इतना तेज नहीं है, बिल्कुल धीरे धीरे से है। और ये शाम का नज़ारा आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। तो व्यूअर्स, आई थिंक यू कैन ऑल्सो वॉच दिस अलोंग विद मी, सो लेट्स एंजॉय दी अमेजिंग ब्यूटीज ऑफ दिस यू नो बंगाल घाट, वन ऑफ द वेरी फेमस घाट। तो अभी आप शाम को दिखा देखते हैं आप कितना ब्यूटीफुल यू नो द सीनरी है। अब जो सनसेट का जो है ये गंगा के किनारे आप देख सकते हैं, तो वैसे ऐसे मतलब नौबत बहुत कमी मिलती है, तो मुझे आप नसीब से मिल गया, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको थोड़ा मेरी आंखों के ज़रिए आपको दिखा दे। तो आप प्लीज़ ये ब्यूटीफुल सीनरी के लिए आप मेरा चैनल पे एक सब्सक्राइबर जरूर बनता है, लाइक बनता है, शेयर बनता है, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। इसके बाद हम चलेंगे दूसरे एक जगह पे, वहाँ पे देखते हैं कुछ और आपको दिखाने के लायक है या नहीं है, तो आई मीन लेट्स गो। वहाँ पे आप दिखाते हैं और एक मंदिर पे जाने की कोशिश करें, यहाँ पे हालांकि थोड़ा सा 1-1.5 किलोमीटर के अंदर ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा शाम हो गया है, तो हम जल्दी जल्दी पहुँचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो प्लीज़ गाइज स्टे विद मी।